नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आज रीवा में रज्जी जॉन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। उनका आरोप था, मेरे लिए ये राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी मेरे कॉम्प्लेक्स को गिराना चाहती है, इस तरीके से कुछ उनका आरोप था। पिछले दिनों मैं आपको बताऊं, रीवा शहर में पार्किंग को लेकर एक मुहिम चलाने की बात तय हुई थी। उस मुहिम में दो जगह ये माना गया था सबसे ज्यादा पार्किंग की जरूरत है। एक जगह थी जान टावर, दूसरी जगह थी रमा गोविंद पैलेस। दोनों जगह ये माना गया यहां पर पार्किंग सबसे ज्यादा खराब है। उसी को लेकर आज कांग्रेस के नेता ने सीधा सीधा आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी उनके कॉम्प्लेक्स को गिराना चाहती। उनका साफ तौर से कहना था, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं उस जगह पर पार्किंग सबसे ज्यादा है, रीवा शहर में इसके अलावा पार्किंग कहीं पर नहीं है। उनका कहना था, क्योंकि मैं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का करीबी हूं, इसलिए मेरे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा। उनका साफ तौर से कहना था, मैं या यूं कहें मेरा कॉम्प्लेक्स नगर निगम या भारत सरकार को हर साल लगभग 10 करोड़ की आय यहां पर से होती है। इस तरीके से यहां पर उनको उस आय का भी नुकसान होगा और निश्चित रूप से एक भारी भरकम नुकसान होगा। अगर मैंने अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई हो तो एक बार बिल्डिंग गिराने की बात हो। हालांकि उनका यह भी कहना था, उनको नोटिस अभी तक नहीं मिली है। जी हां, उनका साफ तौर से कहना था, आज अखबारों में जब उन्होंने पढ़ा तब उनको पता चला कि उनको किसी तरीके की नोटिस मिली है। कुछ दिन पहले नगर निगम का अमला उनके यहां आया था उनके कॉम्प्लेक्स की देखभाल करने। लगातार चारों तरफ घूमकर उन्होंने यह भी देखा था कहां पर गड़बड़ी है कहां पर नहीं है। उनका यह कहना था, यह बिल्डिंग उन्होंने आज से ठीक 23 साल पहले गिराई थी। बीच बीच में 2 या 3 बार उन्होंने नगर निगम से परमिशन ली। अगर बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा गई थी तो उन्होंने परमिशन 2 या 3 बार क्यों दी। इसका सीधा सा मतलब है, मेरे ऊपर दबाव डालकर मेरी बिल्डिंग को गिराने की बात की जा रही, क्योंकि मैं अजय सिंह राहुल का खास हूं। आइए आपको सुनाते हैं रज्जी जॉन ने और कुछ क्या कहा। दुकान खोली है उसके बगल में शासकीय भूमि, फिर मैं सार्वजनिक आरोप लगा रहा हूं केवल एक नेता के स्थानीय कहने पे और एक नगर निगम के उच्च अधिकारी के कहने से। ये बगल में शासकीय जमीन थी जिसमें नगर निगम कमिश्नर तत्कालीन रमेश सिंह जी रहते थे। मैंने उसका प्रस्ताव दिया था, वो शासकीय भूमि थी कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बढ़ती है पार्किंग बनाने की। आखिर प्रकाश चौराहे में हमारा सरकारी मकान, उसी में मैं पैदा हुआ हूँ। वो मकान तोड़ के वहाँ पे पार्किंग बनाई गई, अशोक मिष्ठान भंडार के बगल में पार्किंग बनाई गई, शिल्पी प्लाजा के पीछे सार्वजनिक पार्किंग बनाई गई, तानसेन कॉम्प्लेक्स में पीछे LIC ऑफिस के बीच में पार्किंग बनाई गई। तो यहाँ पे शासन की क्यों जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पार्किंग बनाई जाए। तो वो पार्किंग एक आदमी को केवल फायदा पहुंचाने के लिए उसको रोड में कन्वर्ट किए, उसमें एक पैसे का लेन देन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और सरकारी इतनी कीमती जमीन में रोड बना दी गई। आप लोग अभी जाए तो मेरा निवेदन है कि एक बार जाइए देखिए वो रोड कहाँ तक जाती है। और उसमें इनने खंभा लगा के, ये मैंने फोटो खींचा है, खंभा लगा के गाड़ी पार्क करने के लिए उसमें वो कर दिया है कि गाड़ी पार्क ना हो पाए। उसके ठीक बगल में इधर आप देख लीजिए, ये बगल में ये कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। अभी जाते समय एक नज़र आप मार के चलिएगा, सब 5-5 मंजिल के हैं और सब हमसे 20-20-30-30 फीट आगे बढ़े हुए हैं। जिसमें दैनिक भास्कर का पहले कार्यालय लगता था आज उसमें कॉम्प्लेक्स बन गया है। एक गाड़ी खड़ी करके दिखा दीजिए, उसमें कई गाड़ी खड़ी हो। जावेद भाई के बगल में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें देख लीजिए कितने में बेसमेंट बना है, कितने में पार्किंग बनी है। ये नगर निगम को नहीं दिखता। नगर निगम को मेरा सवाल है कि जॉन टावर ही क्यों दिखता है जिसकी मंजूरी 23 साल पहले हुई। 23 साल पहले मैंने इतना छोड़ के बनाया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता हूँ और सबसे ज़्यादा जॉन टावर से आय नगर निगम को होती है। उसके बाद केवल जॉन टावर में इनको पार्किंग दिखती है जिसमें सबसे ज़्यादा पार्किंग है। सामने भी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग है। अब मैं आता हूँ अपने इस एरिया की बात में। ये हमारे ठीक बगल में 2 कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी फ़ोटो है। ये हमारे पड़ोस में राइट हैंड में, इसमें आप बता दीजिए कहाँ से गाड़ी खड़ी कर सकता है कोई आदमी। एक अभी ये बगल में LG का खुला हुआ है, इनको ये तक नहीं मालूम है कि ये बिल्डिंग किसके नाम से है। आज अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा हुआ निकला कि रज्जी जॉन सा नाम पीपी जॉन, जबकि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी रज्जी जॉन, सज्जी जॉन, हमारी वाइफ बीना जॉन और सज्जी जॉन की वाइफ सुनो जॉन, 4 जन के नाम से। लेकिन केवल क्योंकि राजनीति में मैं हूँ
इसलिए मेरे को निशाना बनाकर ये किया गया है। ये इस बार 2020 और 21 का है। 1997 से आज दिनांक तक हर साल अगर रीवा में किसी भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स ने रेगुलर संपत्ति कर दिया है तो वो जॉन टावर ने दिया है। आज तक कभी इस 23 सालों में मैं एक दिन भी डिले नहीं किया हूँ, हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में उसका जमा किया हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ज़ीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।